video is not for fun, not for joy, not for any entertainment, and not for any exploring new places. This video is for that child. Yes, that 8-year-old child who was raped, killed, and buried into the ground. Why? Why and why? Why those rapists not yet killed? Why there is no law hang till death for the rapist? And why there is no law in India? There should be this kind of law runs in India also, so that everyone feels safe. Every child, every woman feels safe in India. Not even in India, all over the world. Because rape is the extreme thinking of a person. Ek insaan jab itni had tak wo soch sakta hai, to use us had tak saza milni chahiye. Haan, jo bhi is had tak soch sakta hai, wo maut bhi le sakta hai. क्यों ये रूल हमारे यहाँ पे नहीं है? क्यों यहाँ पे इस रूल का क्यों चलन नहीं है? महज 8 साल की बच्ची थी वो, उसका क्या कसूर था? उसने ऐसा क्या किया रहेगा? उसने किसी का क्या बिगाड़ा रहेगा जो इतनी बड़ी सजा उसको मिली? मैंने जब हर तरह की न्यूज़ देखे, रिसर्च किया, इंटरनेट पे सर्च किया, तो बाद में जाके ये भी पता चला मुझे कि आशिफा के पिताजी ने हर जगह पे उसको ढूंढा रहेगा. तो उन्होंने एक जगह पे कोशिश नहीं की ढूंढने की, वो थी मंदिर की जगह. मंदिर की जगह उनको भी पता था कि वो सबसे पवित्र जगह होती है. पूरे देश में साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है. हाँ, तो मैं आज भी जा रहा हूँ साइलेंट प्रोटेस्ट में, मीरा रोड में स्टेशन के वहाँ पे. मैं और मेरा कजिन भाई, हम दोनों जा रहे हैं साइलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए. मैं वहीं पर आपको सीधा लेकर चलता हूँ. एंड आई होप कि आप इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करेंगे. प्लीज़ शेयर कीजिए पूरे दुनिया में, क्योंकि इससे यही पता चलेगा कि उस रेपिस्ट लोग के लिए कोई नहीं है और हम आशिफा के माता पिता के लिए खड़े हैं. एंड आई होप कि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए. आवाज उठाना चाहते हैं. आपने साबित कर दिया कि अभी इंडिया में बकवास किया और लड़ाई के खिलाफ खड़े होने का जज्बा बाकी है. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने अपने इलाके में इस प्रोटेस्ट को जारी रखिए. जो पूरे अनासी पूरे लोग हैं समाज में, उनको ताकत के साथ रोकने की कोशिश कीजिए. जो कुछ आप लोग अपने आसपास देखते हैं उनके अंदर आप लोग बुराइयों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये बुराइयां बढ़ती रहेंगी. As I mentioned before and whatever you have seen, अभी जो आपने अभी देखा वो इसी के लिए था, साइलेंट प्रोटेस्ट था आशिफा के लिए. और
बड़ी ही शर्मनाक बात है ऐसे हादसे अब तक इस देश में हो रहे, लेकिन यहाँ पे सभी धर्म के लोग एक साथ आकर इस प्रोटेस्ट में जुड़े और सभी ने एक ही चीज़ के ऊपर अपना आइडियाज व्यक्त किया और यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स भी दिए। आई होप ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट तक पहुँचे और वो स्ट्रिंजेंट लॉज निकालें रेप्स के ऊपर, स्पेशली ये जो बच्चियों के ऊपर रेप्स हो रहे हैं उन पे स्ट्रिंजेंट लॉज हो। और ये अगर वीडियो कोई भी देख रहा हो प्लीज़ वो भी फॉलो करें, वो भी कम से कम इस रेपिस के ऊपर तो कम से कम इतना कड़क एक्शन लिया जाए कि वो नहीं बचे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये रूल हमेशा फॉलो रखना चाहिए। एंड प्लीज़ गाइज इस प्रोटेस्ट को देश के हर हिस्से में आप लोग जारी रखिए, एकजुट रहिए, सारे धर्म का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, ये इस देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सभी लोग प्रोटेस्ट को जारी रखिए। और ये इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, देश के हर कोने में प्लीज़ शेयर कीजिए और बताइए कि हाँ उस रेपिस के लिए हर कोई खड़ा हो जाएगा, हर कोई सामने दिखेगा उसको मार सकते हैं। प्लीज़ डिमांड फॉर डेथ पेनल्टी फॉर एवरी रेपिस्ट इन दिस कंट्री।